देखिए आज हम वजीराबाद बैराज पे खड़े हैं और मैं सिर्फ मौखिक तौर पे कह नहीं रहा, आपको दिखाने लाया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यमुना नदी है जो सूख गई है, और इसलिए सूख गई है क्योंकि हरियाणा ने दिल्ली के हक का पानी रोक लिया है। हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार ने 120 मिलियन गैलन्स प्रतिदिन जो दिल्ली को पानी मिलना चाहिए वो रोक लिया है, वो नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते जो नदी जिसका स्तर कम से कम 7.5 फुट और ऊपर होना चाहिए था, आज वो नदी सूख गई है। आप रिवर बेड देख सकते हैं, इतना सूख गया है कि यहाँ पर बच्चे क्रिकेट, हॉकी और गिल्ली डंडा खेल सकते हैं। आप साक्षी हैं, आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और मैं आज खट्टर साहब से हाथ जोड़कर ये कहना चाहूंगा कि खट्टर साहब, आपकी दिल्ली वालों से क्या दुश्मनी है? आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 1995 के ऑर्डर के अनुसार जितना पानी देना चाहिए आप दिल्ली वालों को कृपया कर उतना पानी दीजिए। आप मानवीय आधार पे दिल्ली वालों को पानी दीजिए। आज दिल्ली में, केवल पूरी दिल्ली में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जहां रहते हैं उन इलाकों में भी पानी की किल्लत, वाटर शॉर्टेज देखी जा रही है। दिल्ली में त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अगर हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार ने दिल्ली वालों के हक का पानी नहीं रिलीज किया। ये हमारा हक है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, खैरात नहीं मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि इतना पानी रोजाना हरियाणा ने दिल्ली को देना है, लेकिन नहीं दे रही हरियाणा सरकार। हरियाणा में हाथ जोड़कर खट्टर साहब से कहता हूं कि आप पानी दिल्ली वालों को कितना कितना आना चाहिए था और कितना आ रहा है। देखिए 120 एमजीडी कम से कम और आना चाहिए था जो आज नहीं आ रहा, जो उन्होंने रोक लिया, जिसके चलते नदी सूख गई है। हरियाणा सरकार ने क्या बोला, वहां के मंत्री ने क्या बोला, सचिव ने क्या बोला, मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि यहाँ आओ, अपनी आंखों से देखो, झूठे बयान मत दो, आकर देखो कि नदी सूख गई है। तुम्हारे घरों में तो पानी आ रहा है, हरियाणा में तो मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी सबके घर में पानी आ रहा है, दिल्ली वालों के घर में पानी नहीं आ रहा है क्योंकि नदी सूख गई। आपने दिल्ली वालों का हक मार लिया। हमारा 120 एमजीडी हमें वापस दो खट्टर सरकार, हमारा 120 एमजीडी हमें वापस दो। सरकार कह रही है कि मानसून की वजह भी है और दिल्ली सरकार का मिसमैनेजमेंट है जिसके चलते यमुना का स्तर, मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं यमुना का स्तर, नदी सूख गई है, इसका जवाब तो मैंने दे दिया आपको। तो सुप्रीम कोर्ट भी आप गए हैं इसको लेकर? सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली जल बोर्ड ने याचिका दायर करी है और सुप्रीम कोर्ट से यही मांग करी है कि हरियाणा को बोलिए, डायरेक्शंस दीजिए कि दिल्ली के हक का पानी ना मारे। और 1995 की दिल्ली की आबादी के हिसाब से 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने जो तय किया था कि इतना पानी दिल्ली को रोजाना हरियाणा देगा, कम से कम उतना पानी तो दिल्ली वालों को हरियाणा दे दे। मैं ये नहीं कह रहा कि 2021 की आबादी के हिसाब से दे दे, वो भी बाद में कहेंगे, लेकिन आज कम से कम 1995 की आबादी के हिसाब से 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर हरियाणा को दिया था कि इतना पानी रोजाना आपने दिल्ली को देना है, कम से कम उतना पानी दिल्ली वालों को। छोटा सा जवाब दीजिएगा कि अभी आने वाले समय में किन किन इलाकों में दिक्कत आ सकती है? देखिए सेंट्रल दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली में समस्या आ रही है और इसमें प्रधानमंत्री निवास, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय दूतावास, ये सारे इलाके कवर हो रहे हैं। हर जगह पानी की समस्या आ रही है, जल संकट हम सबके सर पे मंडरा रहा है। इसीलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि दिल्ली वालों को उसके हक का पानी दे हरियाणा सरकार, 120 एमजीडी खट्टर सरकार दिल्ली वालों का वापस करे।